कोरोना महामारी के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के चलते प्रदेश सरकार ने राज्यों के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का लिया निर्णय। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर अगले 3 महीनों के लिए कस्टम ड्यूटी हटाने का किया स्वागत। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, ऊना के मलाहत से लेकर पीर निगाह क्षेत्र तक निर्माणाधीन ऊना बिहड़ू सड़क के बन जाने से क्षेत्र में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, लोगों की कई समस्याओं का भी होगा समाधान। मंडी जिले के नेरचौक में कोविड फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद। अस्पताल के 4 हॉल वार्ड के रूप में होंगे इस्तेमाल। जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद कोविड टीकाकरण अभियान आज फिर हुआ शुरू। बर्फ के बीच लोगों ने क्षेत्रीय अस्पताल केलंग पहुंचकर लगाया कोरोना का टीका। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर जिला किन्नौर पुलिस हुई सख्त, लोगों से वसूला 3,60,000 रुपए का जुर्माना।